नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर, वक्त हो चला है हलचल इंडिया पर आज की बड़ी खबर का। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के मतदान की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। हर तरफ प्रत्याशी अपने मुद्दों को लेकर ग्रामीणों के बीच जा रहे हैं और उनको अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। हलचल इंडिया के खास कार्यक्रम ग्राम चौपाल के तहत आज हमारी टीम ने जनपद शामली की कई ग्राम पंचायतों का भ्रमण किया और यहाँ पर प्रत्याशियों व जनता से बात की। थाना भवन देहात के गाँव मसाबी में ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार हाजी अखलाक आरती के प्रतिनिधि और जनता से हमने बात की और उनकी प्राथमिकता को जाना, जहाँ उन्होंने बताया कि उनका चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य गाँव का चहुमुखी विकास करना है, क्योंकि गांव विकास से अछूता है। गांव में उच्च स्तर की शिक्षा के लिए स्कूल नहीं है और जो स्कूल है वह जर्जर हालत में है। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं का हाल भी बुरा है। गांव में पीएचसी के नाम पर कोई चीज नहीं है। गांव में यदि किसी की हालत बिगड़ जाती है तो उसे थाना भवन या शामली लेकर जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यदि जनता उन्हें ग्राम प्रधान पद के लिए चुनती है तो वह गांव में विकास की गंगा बहाने का काम करेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है। जनपद शामली में हम इस वक्त मौजूद है, यहाँ पर ग्राम पंचायत मसाबी में यहाँ पर हाजी अखलाक अहमद जो कि ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी हैं उनके क्षेत्र में हम लोग घूम रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी प्रत्याशी हैं और सभी लोग अपनी जद्दोजहद में लगे हैं। 26 अप्रैल को मतदान होना है, जिसको लेकर सभी ग्रामीणों के पास जा रहे हैं और अपनी मुद्दों को गिनवा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी के प्रतिनिधि हैं उनसे बात करेंगे। इसराज जी, जी इसरा जी, आपसे बात करना चाहेंगे, किन मुद्दों को लेकर आप ग्रामीणों के बीच जाते हैं, क्या क्या समस्याएं हैं जिनको लेकर आप ग्रामीणों के बीच जा रहे हैं? सबसे पहला मुद्दा तो यहाँ भाईचारे का है जी। यहाँ जो है भेदभाव सबसे ज़्यादा हुआ है इस 5 साल की योजना में। उसके बाद शिक्षा का है और जी सफाई का है, ये सब मुद्दे हैं जी। भेदभाव को किस तरह से देखते हैं आप? भेदभाव कोई भी आपस में झगड़ा हुआ वो थाने तक गया, उसमें रिश्वतखोरी हुई, दलाली हुई, उसमें ये सबसे ज्यादा मुद्दे चले इन 5 साल में। भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा ही यहाँ पर बना हुआ। जी जी, तो आप आने वाले अगर आप प्रधान का चुनाव में जीतते हैं तो क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी, किन समस्या को दूर करना चाहते हैं आप? सबसे पहले हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि जो हमारे गांव के लोग हैं सबको साथ लेके चलेंगे। जैसा कि हमारे सलामतुल्ला प्रधान जी थे वो 40 साल से हमारे अपोजिट थे, उनको हम सबसे पहले लेके आए, उन्होंने अपना समर्थन दिया, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद हमारे प्रधान जी थे मुस्तफा प्रधान जी, उनको हमें समर्थन हुआ। तो इस समय आप जब ग्रामीणों के बीच जाते हैं उनकी मुख्य समस्या क्या है जिनका निदान वो चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में सबसे पहले उसका निदान हो? सबसे पहले यहाँ सफाई और विकास, ये सबसे मुद्दे हैं। शिक्षा के मुद्दे में सफाई को लेकर नाला है यहाँ पे लगभग 1 किलोमीटर लंबा, उसमें गंदगी इतनी भरी हुई है कि जो हरिजन लोग हैं उनके यहाँ पानी भरा हुआ है, उनके घरों में पानी भरा हुआ है, ग्राम पंचायत घर बना हुआ है उसमें पानी भरा हुआ है, ये सबसे पहला मुद्दा हमारा है। शिक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। शिक्षा यहाँ पर सुना है कि सिर्फ जूनियर हाई स्कूल तक, आगे क्यों नहीं है, क्या आप करेंगे इस पर? हम इसकी कोशिश करेंगे हाई स्कूल तक इसका मान्यता कराने से, कम से कम हाई स्कूल। बिल्कुल, शिक्षा बहुत जरूरी है और शिक्षा को लेकर हर कोई अपने क्षेत्र में विकास करना चाहता है। साथ ही साथ हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, ग्रामीण जनता है, ग्रामीण जनता से जानेंगे कि उनके क्या ख्वाहिशें हैं, क्या वो चाहते हैं अपने गांव के विकास में और गांव को विकसित करने में क्या उनकी कोशिशें रहती हैं। जी, आपका नाम? जी शाह मोहम्मद। शाह मोहम्मद जी, बताइए कि गाँव में किस तरह की समस्याएं हैं जिनको आप दूर करवाना चाहते हैं? समस्या तो बहुत है जी यहाँ से। सबसे पहले धानलबाजी हो रही, दलाली सबसे मेन मुद्दा तो ये है, और विकास भी गांव में कोई नहीं है, सफाई कर्मी भी कोई नहीं है गांव में। अच्छे जी, सबसे मेन मुद्दा सफाई का है और दलाली का, जो हरिजन भाई साहब ने बताया, इसरार ने जो इन्होंने बताया, कहने लगा जी हरिजनों में नाला अटक उठ है जो कभी बना था, उससे बाद में कोई सफाई नहीं हुई उसमें, 5 साल में कोई किस सफाई कर्मी नहीं आया गाँव में, बहुत हालात ख़राब है। स्वच्छ भारत को लेकर हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार चल रही है, लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो इससे अछूत हैं और लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में गंदगी का माहौल लगातार जारी है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। जी, आपका नाम? अली मोहम्मद। अली मोहम्मद जी, बताइए कि क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसको लेकर आप लोग? सबसे बड़ी समस्या तो बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जो पूरी नहीं हो पाती, उन्हीं के लिए हम इस चीज के लगे हुए हैं, इस चीज पे कि हम उन्हें पूरी कर सकें, अच्छे से अच्छे कार्य कर सकें और किसी चीज़ की भी दिक्कत ना आए गाँव में। सबसे पहले तो सफाई का काम है, सफाई इतनी गंदा माहौल हो रहा हरिजनों में, बहुत ज़्यादा गंदा है, इसलिए उसमें कोई भी काम हो नहीं पा रहा सही टाइम पे।
इसलिए हम लगे हुए हैं कि अच्छे से अच्छा काम हो पावे और हरिजनों में सबसे पहले ज्यादा सफाई होनी चाहिए और स्कूल की भी शिक्षा के भी बारे में बहुत कठिन समस्या है। कम से कम चाहिए तो इंटर नहीं तो हाई स्कूल तो कम से कम होना चाहिए। इसके लिए हम इस पे बहुत ज़्यादा ओवर लगावेंगे, अपना ध्यान इसके लिए बहुत ज़रूरी काम है। जी जी आस मोहम्मद है। आप मोहम्मद जी बताइए गांव की समस्या क्या है जिसको लेकर आप लोग जी जी जैसे इन्होंने बोला है बिल्कुल सही है जी। ऐसे ही सबसे बड़ी समस्या क्या मानते हैं आप गांव की? जी सफाई वाली और जो इन्होंने बताई वही है जी, बस सफाई और शिक्षा ये सबसे बड़ी समस्या है गांव मसावी में इस वक्त है। ग्राम पंचायत मसावी में हम घूम रहे हैं और यहाँ पर हम ग्राम चौपाल कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से जानकारी हासिल जुटा रहे हैं कि वो लोग क्या चाहते हैं। हमारे साथ कुछ ग्रामीण और मौजूद है, उनसे जानेंगे कि किन समस्याओं को लेकर इस बार वो अपने प्रधान को चुनना चाहते हैं। जी आपका नाम? मोहम्मद राशिद। राशिद जी ये बताइए कि क्या समस्या गांव के अंदर मुख्य बनी हुई है जिनको आप सबसे पहले निदान चाहते हैं? जी ये सबसे ज्यादा जो समस्या है हमारे गांव में जो भेदभाव है आपस में लोगों का झगड़ा वगैरह, जो थानों में दलाली करवाई जाती है, गांव का विकास रोका जाता है, गांव का पैसा जाता है जिससे इफेक्ट पड़ता है गाँव पे बहुत। और दूसरा एजुकेशन, हमारे यहाँ एक 8th क्लास का कॉलेज था उसमें टंकी लगा दी। ये जो ग्राम प्रधान चाहते तो वो 10th तक का स्कूल हो सकता था, 12th तक का हो सकता, लेकिन उसमें टंकी लगाकर कोई फायदा नहीं है उसका। उस टंकी लगाई है उसमें पूरे गांव में पानी भरा हुआ है जिससे गंदगी और ज्यादा हो गई है, नाली टूट गई, खाले भर उस खाले है ना जो बहुत डंप हो चुके हैं, भर चुके हैं और इतना कूड़ा कचरा भर चुका है कि पानी, हमारे यहाँ के जो वाल्मीकि हरिजन लोग हैं बहुत परेशान हैं, उनकी बहुत समस्या है। दूसरा स्वास्थ्य, हमारे यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है, मेन मुद्दा है ये। हॉस्पिटल सुना है कोई है लेकिन उसकी बिल्डिंग नहीं है, कुछ आता पता नहीं है, पैसा खाया जा रहा है गाँव का विकास का, जो पैसा आता है बुरी तरह खाया जा रहा है। और बहुत ही मुद्दे हैं, भाईचारा विकास और हमारा बारात घर नहीं है, लोग जो गरीब तबके के लोग हैं उनके यहाँ इतना बड़ा स्पेस नहीं है क्या जो उनके यहाँ बारात आती है उसको ठहरा सके, लोगों के यहाँ करना पड़ता है। और बारात घर भी होना चाहिए, हर हफ्ते जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनका जो सफाई अभियान है उस पर भी बिल्कुल फोकस नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो ताऊ जी हैं इनसे मेरी एक विनती है कि हर 15 दिन में ही गांव में सफाई होनी चाहिए जिससे बीमारी से लोग बचें, सफाई होगी तो बीमारी से बचेंगे इंसान। और भी बहुत मुद्दे हैं। बिल्कुल सफाई व्यवस्था बड़ा मुद्दा है, कोरोना महामारी का प्रकोप इस समय जारी है और ये सब हम तभी संभव है जब साफ सफाई होगी। साफ सफाई एक बड़ा मुद्दा है और सफाई के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जी आपका नाम? अफसर हसन। अफसर जी बताइए गांव की समस्याओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का प्रत्याशी आपको चाहिए था? प्रत्याशी तो ईमानदार होना चाहिए, साफ छवि का होना चाहिए जो सभी लोगों को साथ लेके चल सके, इस तरह का प्रत्याशी यार हमारे पास है। एक ईमानदार प्रत्याशी है, एक मेहनती कर्मठ पढ़ा लिखा, जो अब से पहले तो मिला नहीं ऐसा प्रत्याशी कभी। पिछले 5 साल में क्या क्या हुआ? 5 साल में तो कोई खास नहीं हुआ, सफाई व्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ी रही और विकास भी कोई इस तरह का कोई खास नहीं हुआ। गांव में झगड़े बहुत बड़े, दलाली हुई थानों की, बस यही हुआ, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। थानों की दलाली के अलावा कुछ नहीं हुआ पिछले 5 सालों में, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। भ्रष्टाचार दलाली को लेकर ग्रामीण काफी रोचित हैं, वो चाहते हैं कि इन सबसे उन्हें निजात मिले, लेकिन ये निजात तो तभी मिलेगी जब मतगणना होगी। मतगणना के बाद कौन इनका ग्राम प्रधान बनता है इस पर चर्चा चलती रहेगी। हमारे साथ एक और ग्रामीण मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि क्या वो लोग चाहते हैं अपने गांव के अंदर किस तरह का विकास होना चाहिए। जी आपका नाम? मेरा नाम कारी मोहम्मद इरशाद साहब। ये बताइए साथ जी कि गांव की मुख्य समस्या क्या है जिनको लेकर आप लोग इस बार अपने वोटिंग करने जा रहे हैं? बस ये जो इन्होंने बताया है इसी के लिए हम इसमें खड़े हुए हैं और हम तो यही चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। पहले तो सबसे पहला नारा तो हमारा यही है कि सबका साथ सबका विकास और गांव में जो भेदभाव है इससे निजात मिले। और रही तीसरी बात, ये जो इसका नाले की बात चल रही है और सबसे पहले तो नाले की सफाई जब होगी इससे पहले
ये जो उसका जोहड़ का पानी है इसकी निकासी होनी चाहिए आगे, इसलिए इससे गंदगी फैल रही है गांव में। तो बस इसीलिए हम तो इस मुद्दे पर खड़े हुए हैं और हमें उस चेहरे की ज़रूरत थी जो सबको साथ लेकर चलो, वो हमारे पास है। उनका नाम हाजी अखलाक साहब आड़ती, उनका नाम बिल्कुल अखलाक आड़ती के पक्ष में इस वक्त लोग मौजूद हैं और यहाँ पर वो गिना रहे हैं अपनी समस्याएं। सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये सब एक ऐसी समस्याएं हैं जिनको हर कोई चाहता है कि उनके गांव में रहे, उनका विकास हो और उनका गांव आगे बढ़ेगा तो वो लोग भी आगे बढ़ेंगे। हलचल इंडिया से इकराम राणा के साथ हिमांशु पाल। ग्राम पंचायत मसावी जनपद शामली, आज हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत मसावी में, जहां पर प्रधान पद के प्रत्याशी अपनी दौड़ में हैं और चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ग्राम पंचायत मसावी का कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे गांव की मूलभूत सुविधाओं को लेकर क्या समस्याएं इस वक्त बनी हुई हैं। जी आपका नाम? नाम है जी मेरा मोहम्मद शौकीन। शौकीन जी बताइए क्या समस्याएं गांव के अंदर है सड़क, पानी, बिजली, मूलभूत सुविधाओं को लेकर। जी यहाँ सबसे बड़ी समस्या है पानी की, टंकी 2 दिन ना आवे, 3 दिन ना आवे, ये सबसे बड़ी कमी। फिर दूसरी बार एक नाला है हमारे गांव के अंदर, वो हर वक्त अड़ा रहता है, उसकी कोई साफ सफाई नहीं, सड़कों की भी हालत खराब है। यहाँ हम चाहते हैं जी कोई अच्छा हमारा लीडर आवे, अच्छा प्रधान हो, ये सब काम करावे, कोई साफ सफाई नहीं। साफ सफाई नहीं है तो बीमारियां भी उत्पन्न होती होंगी यहाँ पर गांव में। नहीं जी बीमारी बहुत है। तो बीमारियों से लड़ने के लिए स्वास्थ्य सेवाएं हैं आपके अस्पताल? हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवा कोई नहीं है जी, अस्पताल बना सरकारी, उसमें आज तक कोई डॉक्टर ही नहीं आया। अगर किसी लड़की किसी औरत को मतलब बच्चे की परेशानी हो तो थाना पहुंच जाना पड़े। बिल्कुल स्वास्थ्य सेवाएं होनी जरूरी है क्योंकि इस समय कोरोना महामारी का दौर है और स्वास्थ्य के बिना हर काम अधूरा होता है। हमारे साथ कुछ लोग और लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी आपका नाम? डॉक्टर मोहम्मद सलीम। डॉक्टर साहब ये बताइए कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आप कुछ डॉक्टर हैं, क्या समस्या गांव के अंदर आती है? स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मुद्दे तो तीन हैं यहाँ मेन जो मुद्दे हैं। एक तो सफाई का मुद्दा है, सबसे पहली बात है, जो नाला है हमारे यहाँ उसकी सफाई नहीं होती। जितने भी प्रधान आज तक आए हैं वहाँ परमानेंट कोई भी सफाई कर्मी आज तक नहीं लगाया वहाँ, जैसे इलेक्शन नज़दीक आता है तो तब लगाते हैं, या ज़्यादा प्रेशर होता है गवर्नमेंट का तब लगाते हैं। दूसरा मुद्दा स्वास्थ्य का है, यहाँ हमारे गांव में लगभग 5000 पीपल हैं, यानी कि 5000 के आसपास आदमी हैं, लेकिन यहाँ CHC की कोई सुविधा अभी तक नहीं है। यहाँ कॉमन हेल्थ सेंटर जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो हमारा जो मुद्दा है, हमारे जो कैंडिडेट हैं अबकी बार हमारे ताऊ जी हाजी अखलाक आड़ती, हम लोग इन्हीं मुद्दों को लेके यहाँ चुनाव में आए हैं। इंशाल्लाह अगर अल्लाह कामयाबी दे तो इंशाल्लाह सबसे पहले यहाँ सरकारी अस्पताल का इंतज़ाम होगा, जो सरकारी अस्पताल बंद पड़ा है उसका इंतज़ाम होगा, वहाँ डॉक्टर की सुविधा कराएंगे, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जैसे बीमारी फैल रही है कोरोना है, उसके लिए फॉगिंग भी कराएंगे यहाँ काफ़ी हद तक, जितनी भी नालियाँ हैं जो गंदी पड़ी हैं उनकी सफाई करवाएंगे। और जो इन लोगों ने टंकी का निर्माण करवाया था यहाँ, 2 बार सड़क रिपेयर हो चुकी है, दोनों बार सड़कों पर पानी भरा है, जबकि रिपेयर होने के बाद में कंप्लीट सड़क को निर्माण करना था, लेकिन सड़क को जैसे वो डालते हैं पाइप डालते हैं पाइप, एक बार रिपेयर हुई वो नीचे चली गई, उसके बाद पानी भर गया, वहाँ लोगों को आने जाने में दिक्कतें हुई हैं। जल भराव मेन समस्या बनी हुई है? जल भराव मेन समस्या थी, अभी नहीं है, अब 2 बार रिपेयर हो चुकी है सड़कें, जबकि वो पूरी कम्प्लीट होनी थी। यहाँ पे 8वीं तक का स्कूल है, बच्चे कहाँ पर शिक्षा हासिल करने जाते हैं? बच्चे थाना भवन जाते हैं, यहाँ से डिस्टेंस 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूरी पर जाते हैं। एजुकेशन लेवल हमारे गांव का बहुत कम है, क्योंकि यहाँ आज तक जो भी प्रधान बना है आज तक उन्होंने इंटर कॉलेज या किसी हाई स्कूल की डिमांड नहीं की है अब तक। जो जूनियर स्कूल है यहाँ प्राथमिक विद्यालय 5वीं और 8वीं तक है, उसके बाद में 10th या 12th के लिए लोग थाना भवन जाते हैं। अभी इसके लिए क्या चाहते हैं आप लोग, क्या होना चाहिए? देखो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इज्जत दे तो इंशाल्लाह सबसे पहला जो हमारा मुद्दा है स्वास्थ्य अस्पताल का, और दूसरा स्कूल का, हाई स्कूल तो कम से कम लेकर आएंगे इंशाल्लाह, और पूरे गांव की सफाई करवाएंगे, परमानेंट यहाँ स्वीपर रहेगा, बस यही है मेन 3 मुद्दे हमारे, स्वास्थ्य, शिक्षा और सफाई। ये 3 मुद्दे हर गांव की अपनी ख्वाहिश होती है, हर कोई चाहता है कि यहाँ पर उनके लिए हर चीज़ उपलब्ध हो, हर सेवा उपलब्ध हो। हमारे साथ कुछ और ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी आपका नाम?
मेरा नाम मोहम्मद आबिद है। आप जी ये बताइए कि गांव के अंदर जो समस्याएं हैं उनके निदान के लिए आप क्या चाहते हैं, कौन सी समस्याएं हैं जिनका निदान आप सबसे पहले चाहते हैं? यही है जी, शिक्षा, पानी, राशन कार्ड, बहुत दिक्कतें हैं, सड़क, नालियों की सफाई, इन सब की प्रॉब्लम है गाँव के अंदर। तो कैसा प्रत्याशी आप चाहते हैं? हम प्रत्याशी बढ़िया ईमानदार जो इस काम को लेकर आए उसके लिए चाहते हैं। जैसे यहाँ पर बता रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पीएससी तक नहीं है, उसके बाद आप क्या चाहते हैं कि पीएससी यहाँ पर होनी चाहिए? होनी चाहिए सर, पीएससी होनी चाहिए। किस तरह की समस्या है पीएससी ना होने के कारण? बहुत समस्या है सर, थाना फोन लेके जाते हैं सर, 4 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। क्या आपने डिमांड की है? सर डिमांड की है, मगर अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है सर। नेताओं का भ्रष्टाचार है, कोई सुनता ही नहीं है सर। ग्रामीणों का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर यहाँ पर भ्रष्टाचार की भेंट हॉस्पिटल चढ़ चुका है, जिसको लोग चाहते हैं कि उससे भ्रष्टाचार हटे और यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं बहाल हों, चिकित्सक आए, उनका इलाज करें, उनसे बातें करें, उन्हें सलाह दें किस तरह की वो बीमारी से लड़ सके। इस वक्त कोरोना महामारी का दौर है, हर कोई अपनी सुरक्षा में लगा है, घरों से बाहर नहीं निकलता क्योंकि यहाँ पर चिकित्सक ही नहीं है। हलचल इंडिया के लिए इकराम राणा के साथ हिमांशु पात्रा।